सो गाइस यहाँ बीसीसीआई आईपीएल 2024 की तैयारी स्टार्ट कर रही है, जो कि मैं आपको लगातार बताता हुआ नजर आ ही रहा हूँ। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ कि आखिर यहाँ पे आईपीएल का शेड्यूल क्या रहने वाला है। हाँ गाइस, आईपीएल 2024 का शेड्यूल भी लॉन्च कर दिया गया है। और गाइस क्या सचमुच ऋतुराज गायकवाड ही रिप्लेस करने वाले हैं विराट कोहली को इस पूरे जो इंग्लैंड के दो मैचों की जो दो स्टार्टिंग के दो मैचेस रहने वाले हैं। तो गाइस पूरी डिटेल वीडियो है, वीडियो का भी प्ले के पूरा इंटर देखेगा। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले न्यूज़ के बारे में। और गाइस जो सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है आईपीएल के स्टार्टिंग डेज को लेके। हाँ गाइस, आईपीएल का स्टार्टिंग कब होने वाला है, कब किक ऑफ स्टार्ट होने वाला है और कब फाइनल होगा, ये क्रिकबज ने यहाँ पे बता दिया। और गाइस ये बीसीसीआई ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 99.9% कंफर्म है कि यही स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट रहने वाली है। और गाइस यहाँ पे बात करें तो आईपीएल 2024 जो स्टार्ट होने वाला है वो 22 मार्च को होने वाला है। हाँ गाइस 22 मार्च को यहाँ पे आईपीएल स्टार्ट होगा और जो इसका फाइनल रहने वाला है, जो फाइनल होता हुआ नजर आएगा वो 26 मई को। हाँ गाइस 26 मई को इसका फाइनल होगा और 22 मार्च को इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी। यानी कि ये जो जो टाइमलाइन है, ये जो टाइम पीरियड है, इसी के बीच में आईपीएल को फिक्स किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। और गाइस इसी में आपको आईपीएल 2024 का देखने को मिलेगा। यानी कि जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि थर्ड वीक ऑफ मार्च यहाँ पे आईपीएल स्टार्ट होगा, सेम वही चीज़ हो रहा है। थर्ड वीक ऑफ मार्च आईपीएल स्टार्ट होगा और उसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारी है, तो मात्र 9 या 8 दिन का ही समय आप इंडिया को मिलेगा यहाँ पे आईपीएल के बाद तैयारी करने को। तो जो चीज़ें हैं इसी के बीच में इनकी होती हुई नजर आने वाली है। तो गाइस फाइनली बात करने वाले हैं दूसरे चीज को लेकर, तो यहाँ पे चेन्नई का कैंप आखिर कब लगने वाला है चेन्नई का कैंप। क्योंकि अब बात कर लिया जाए तो आईपीएल की स्टार्टिंग डेट तो आपको सामने पता चल गई, आईपीएल कब स्टार्ट होगा ये तो चीजें आपको पता चल गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो इनका कैंप है वो कब लगता हुआ नजर आएगा। हाँ गाइस कैंप कब लगता हुआ नजर आएगा, तो गाइस अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे मिड फरवरी में, यानी कि आपको पहले मार्च बताया जा रहा था कि मार्च में आपको कैंप देखने को मिलेगा, लेकिन वो मार्च में आपको कैंप देखने को नहीं मिलेगा। जो कैंप की स्टार्टिंग डेज रहेगी वो आपको मिड फेब में ही आपको देखने को मिलेगी। यानी कि मिड फरवरी में चेन्नई का कैंप लगेगा और चेन्नई के कैंप की पल पल की अपडेट, पल पल की फुटेज, पल पल की पिक्चर्स, पल पल की वीडियोज कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। अब टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मौजूद है, फटाफट से यहाँ पे आपको जाके उसको फटाफट से आपको फॉलो कर लेना है। क्योंकि अगर बात कर लिया जाए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाला है, क्योंकि आपको हर एक अपडेट जो मिलेगी टेलीग्राम पे सबसे पहले मिलेगी। हमारे 10 से 12 एडमिन आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। तो आपको अभी से ज्वाइन कर लेना पड़ेगा क्योंकि आपको आपको न्यूज वहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस फाइनली बात करने वाले हैं अगले चीज के बारे में, तो गाइस ये है गायकवाड क्या रिप्लेस करेंगे विराट कोहली को। क्योंकि पर्सनल रीजन की वजह से विराट कोहली स्टार्टिंग के दो टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ जो होने वाला है वहां पे ये खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। तो सभी के दिमाग में एक ही सवाल है कि भाई क्या वहां ऋतुराज खेल सकते हैं। तो इस पे मैं पूरा पर्दाफाश कर देता हूं कि आखिर क्या ऋतुराज गायकवाड वो वहां पे उस फेज में खेलते हुए नजर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, इस पे मैं फाइनल चीजें आपको यहां पे क्लियर कर दे रहा हूं। तो गाइस बात करिए तो यहां पे विराट कोहली पर्सनल रीजन की वजह से इस सीरीज को दो मैच छोड़ रहे हैं। और ऋतुराज गायकवाड की बात कर लें तो इन्हें बीसीसीआई अभी तक एनओसी और यहां पे बात कर लें तो एनसीआर जो कि रहने वाला है, जो कि आपको भी पता है कि एनसी एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी, अभी तक इन्होंने एनओसी नहीं दिया है। यानी कि पूरी तरीके फिट का कमांड इन्हें नहीं मिला है। तो अभी क्या ये इन्हें रिप्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी इस पे सबसे बड़ा संशय का बादल है। क्योंकि अगर ये पूरी तरीके फिट रहते हैं तो ये रिप्लेस कर जाएंगे, और फिट नहीं रहेंगे तो इनके जगह पे कोई और खिलाड़ी रिप्लेस करेगा। अभी इस पे कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ पे आप मान के चलिए कि अगर ऋतुराज गायकवाड पूरी तरीके फिट एंड फाइन रहते हैं तो विराट कोहली के जगह स्टार्टिंग के दो मैच में यही रिप्लेस करेंगे और विराट कोहली के जगह बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी जो फाइनल फिटनेस है अभी उसकी कवर नहीं किया गया है, तो अभी भी कोई भी चीज बता पाना मुश्किल है। तो गाइस फाइनली बात करने वाले हैं अगले न्यूज़ के बारे में, और गाइस ये है फाफ डू प्लेसिस के बारे में। तो गाइस फाफ डू प्लेसिस यहां पे ये जो आईपीएल होने वाला है, इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि फाफ डू प्लेसिस का ये अंतिम आईपीएल रहते हुए नजर आने वाला है। ये जो आईपीएल सीजन है ये अंतिम सीजन रहेगा और उसके बाद फाफ डू प्लेसिस आईपीएल से रिटायर हो जाएंगे। यानी कि जो आरसीबी के साथ आखिरी सीजन है वो डू प्लेसिस अब खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी इनका फॉर्म भी पूरी तरीके से डामाडोल हो चुका है। अब ये उतने अच्छे फॉर्म में दिखते हैं नहीं। अब बात कर ले तो जेएसके के लिए भी खेल रहे हैं तो फॉर्म अच्छा नहीं दिख रहा है, टीएसके के लिए खेलते हैं तो अच्छा फॉर्म नहीं दिख रहा है, जो भी डोमेस्टिक मैच खेल रहे हैं कोई अच्छा फॉर्म दिख नहीं रहा है। तो इसलिए इन्होंने अपना कवर किया है और इन्होंने ये कहा है कि ये जो सीजन रहेगा ये लास्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे बात करें तो आरसीबी को अब नया कैप्टन ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली बात करने वाले अगले न्यूज के बारे में, गाइस ये है डब्ल्यूपीएल। हाँ गाइस बात करें तो वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कि आईपीएल का ही वुमेन्स का होता है,
वो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग डेट 23 फेब और यहाँ पे 17 मार्च के बीच में फाइनल खेला जाएगा। और इसका शेड्यूल पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया गया, अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं ये पूरा WPL का शेड्यूल आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी इसी के तरीके का आपको पूरा शेड्यूल देखने को मिलेगा, यानी कि जो WPL का शेड्यूल है वो 23 फेब से होने वाला, तो अभी लॉन्च एक महीने पहले किया गया है। तो यानी IPL भी जो स्टार्ट होगा अभी लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो लगभग यहाँ पे 45 दिन या 40 दिन पहले ही यहाँ पे शेड्यूल लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस ये थी आज की वो सभी न्यूज जो कि निकल के आई थी, मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम को ज्वाइन करना मोस्ट कंपलसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो गाइस चलिए फिलहाल के लिए ज्वाइन करते हैं।